मटेरियल अच्छा नहीं लगा मुझे। कहाँ है भाई? हाँ 671 रुपीज़ में मैंने लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता वर्थ करता है, बहुत चेंजेस होते हैं प्राइस में। एंड हाँ जो भी है, हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट मिंत्रा, एंड दिस इज गोइंग टू बी अबाउट टी शर्ट, शूज, परफ्यूम्स एंड एवरीथिंग। सो फॉर दैट कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो माय फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस हाई नेक रोज कलर टी शर्ट। तो ये टी शर्ट का मुझे कलर काफ़ी पसंद आया था, इसलिए मैंने परचेज किया था। एंड इसका नेक अगर आप देखोगे तो राउंड एंड फुल्ली कवर्ड है, एंड स्लीव हाफ है। तो ये ओवरसाइज्ड है एंड मुझे काफ़ी मतलब लूज आ रहा है, बट आई डोंट माइंड। इसको मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल के साइज़ में लिया था। तो एक बार आप जब कुछ ओवरसाइज लेते हो तो मेजरमेंट देख लेना, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट होता है बाकी कपड़ों से काफ़ी अलग होता है। तो इसकी जो लेंथ है मुझे नीज के जस्ट अबोव आ रही है, लेकिन अगर आप मॉडल को देखोगे तो थोड़ा शॉर्ट आ रहा है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर हाइट। एंड इसका जो प्राइस है मैंने 314 रुपीज़ में ख़रीदा है, लेकिन इसका प्राइस काफ़ी ऊपर नीचे जाता है, तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेक कर सकते हो। इसके मटेरियल की बात करूँ तो ये प्योर कॉटन है, तो गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसको मैंने पैरअप किया था ब्लैक कलर की स्किनी जीन्स के साथ, तो आप भी ब्लैक कलर की लेगिंग्स या जैगिंग्स के साथ में पैरअप करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी ओवरसाइज्ड है। अगर आप नीचे कुछ टाइट पहनोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा बल्की लगेगा। सो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑफ वाइट कलर ओवरसाइज्ड टी शर्ट। तो ये जो टी शर्ट है ये बिल्कुल सेम है फर्स्ट प्रोडक्ट का, तो ये सेम ब्रांड का है, बट इसके प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है एंड इसका कलर अलग है। क्योंकि ये वाइट कलर है तो ये थोड़ा सा सी थ्रू भी है, तो इसके अंदर आप कुछ न्यूट कलर का या वाइट कलर का पहन सकते हो। एंड इसके साथ आप पैरअप कर सकते हो ब्लैक कलर की जीन्स को, जैकेट्स को, इसके साथ भी ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगेगा। ये मुझे मिला है 279 रुपीज़ में, विच इज़ गुड, बट अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है आई हैव नो आइडिया, क्योंकि इसके प्राइस काफ़ी ऊपर नीचे जाते हैं। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ये भी जाकर आप चेक कर सकते हो कि क्या प्राइस चल रहा है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्लैक कलर ट्राउज़र। फिटिंग के लिए जस्ट ये चेन है, इसके साथ में कोई बटन वगैरह नहीं है। एंड ये 671 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया है, लेकिन इसका मटेरियल मुझे नहीं पसंद आया, ये मुझे काफ़ी पतला लगा, प्लस ये सी थ्रू भी है। सो इफ़ आई एम स्पेंडिंग 671 रुपीज़, तो मैंने थोड़ा कुछ अच्छा एक्सपेक्ट किया था। इतना बुरा मटेरियल नहीं है, लेकिन जो 671 रुपीज़ में मिलना चाहिए उतना भी नहीं है, मतलब बहुत ही लो क्वालिटी का लग रहा है। एंड ऑल्सो ये ऑफिस वेयर वगैरह के लिए ठीक है, मतलब टॉप के साथ आप पहन सकते हो, बट स्टिल मुझे इतना नहीं पसंद आया मटेरियल। सो माय नेक्स्ट वन इज दिस वाइट कलर स्नीकर, इसके साथ में पिंक, ग्रे एंड ब्लू कलर भी है। एंड इसका जो लेस है ये वाइट कलर का है, तो इसे आप कोई भी टॉप के साथ में, टी शर्ट के साथ में या शर्ट के साथ में पैरअप करोगे तो अच्छा लगेगा। इनफैक्ट मैंने जो अभी पहना है इसके साथ में भी ये शूज़ काफ़ी अच्छा लगेगा, तो बहुत सारे कपड़ों के साथ ये पैर हो जाता है। ये मैंने 799 रुपीज़ में परचेज़ किया मिंत्रा से, बट मैंने ये सेम शूज़ फ्लिपकार्ट पे देखा अराउंड 500 रुपीज़। एंड उसके मैंने रिव्यू भी चेक किए, तो ऑलमोस्ट क्वालिटी वगैरह सब काफ़ी अच्छा दिख रहा था। सो आई से कि एक बार आप फ्लिपकार्ट पर भी चेक कर सकते हो ये शूज़, क्योंकि ये वहाँ पर काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं। सो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ एनवे का परफ्यूम फॉर वुमेन, एंड इसका नाम वेनेसा है। तो ये वाइट कलर की पैकेजिंग में आया है, तो अगर मैन के लिए लेते हो तो ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, बहुत ही बेसिक सा है, ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है। तो बात करूँ लॉन्ग लास्टिंग कितना है, तो 4 घंटे तक चल जाता है, ऑलरेडी मैंने यूज़ किया है तो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता है। एंड इसके जो टॉप नोट्स है वो फ्रूटी है, बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं, लेकिन इसके जो मिडल नोट्स है वो स्वीट एंड अरोमिक है, जो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। इसके बेस नोट की बात करूँ तो इसमें एम्बर एंड ओक मॉस है, जिससे इसमें थोड़ा स्पाइसी सेंट मिलता है। एंड या ओवरऑल मतलब बजट फ्रेंडली है, 164 में मैंने इसे परचेज़ किया, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 299 रुपीज़ का है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बिफोर गोइंग एनीवेयर प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट आशा शेख_। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय।